तो देख सकते हैं हमारे पास में है ये इन्फिनिक्स का हार्ट 12 प्ले फ़ोन, और मैं इसे काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग की ऑलरेडी वीडियो आपको मिल गई होगी, तो मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ इसको और काफ़ी दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ। लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं यूज करते हुए। तो कैसा ये चल रहा है, कैसी इसकी क्वालिटी है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैंने बहुत सारे गेम लोड किए हैं और गेम मैं तो प्ले करता नहीं हूँ, तो बाकी सब लोगों ने प्ले किया है और प्ले करके जो दिखाए हैं उसके बाद से मैंने बता रहा हूँ। इसका काफ़ी अच्छा खासा इसमें गेम भी चल जाता है, तो जो लोग गेम खेलना चाहते हैं नॉर्मली वो लोग खेल सकते हैं इसको लेकर के। इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, साथ में पंच होल के साथ में आता है, तो एक बहुत बड़ा इसका ये फीडबैक है, अच्छी बात है, देख सकते हैं। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कॉलिंग मैंने इस पर यूज किया है, अच्छा इसके अंदर में फीचर है, कॉल बहुत अच्छा यूज होता है। दूसरा सबसे बेस्ट जो मुझे इसमें लगता है वो ये चीज़ है कि इसके अंदर में वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और कॉल रिकॉर्ड करने के साथ साथ सबसे बेस्ट बात है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। कैमरे का जो ये डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, मतलब ये आपको एक फील दिलाता है कि आप एक महंगा फ़ोन लेकर चला रहे हो, ये कभी फील नहीं होगा कि आप शायद 8000 या 9000 का फ़ोन लेकर के चल रहे हैं। तो ये चीज़ है, फीलिंग काफ़ी अच्छा इसको लेने के बाद होती है, और डिज़ाइन बाई भी काफ़ी अच्छा है, और जो ख़राब होगा वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो इसमें सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूँगा, इसका ड्रॉबैक और क्या है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो सारा कुछ भी इसी में बता देंगे। तो ये चीज़ है जो अच्छा है वो मैं बता रहा हूँ, प्रोज कॉन्स लास्ट में इसका हम बता देंगे। तो ये था, ये हार्ड है और हार्ड के साथ साथ बेकार भी है। यहाँ पे लिखा गया है फ्यूचर नाउ, लेकिन इसके ऊपर इतने सारे स्क्रैच आ चुके हैं, आपको देख जाएंगे। ये देखिए इतने दिन में ये टूट भी गया है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, तो ये टूट भी गया है यहाँ पे। अभी मैं निकाला तो यहाँ पे ये ब्रेक कर गया, दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पर ब्रेक कर गया इस तरह से, तो ये भी, तो ये चीज़ है। बाकी इसकी कोई क्वालिटी नहीं है तो भाई, तो इसके लिए मैंने मंगाया है ये, अनबॉक्स करके अलग वीडियो बना दूंगा कैसी क्वालिटी है। तो ये यहाँ पर देखिए क्वालिटी भाई, ये इसका ये लुक है, देखने में ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम वाला फील आता है, और इधर से ये लुक है। कैमरा ठीक ठाक है, मतलब जिस हिसाब से प्राइस रेंज है उसके हिसाब से मैं नहीं कह सकता तो कैमरा ख़राब है, कैमरा ठीक है, ऐप्स ओपनिंग ठीक है, वीडियो प्लेइंग ठीक है, साउंड की क्वालिटी उतनी लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, बेस उसमें उतने ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ है। तो ये सारी कमियाँ थी इसके अंदर में, जो ये कंपनी दिया ये बेकार दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, स्क्रैच इतने सारे इस पर आ चुके हैं, एक हफ्ते के यूज में बहुत सारे स्क्रैच इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रैच के मामले में ये जो स्क्रीन गार्ड है ये सही नहीं है, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा। मोबाइल देखिए वाकई अच्छी है, ये बेकार है, इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर बेकार है, हटा दीजिएगा। तो ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ें ख़राब हैं। बाकी जो क्वालिटी करें फ़ोन की बात करें, क्वालिटी अच्छी है। इसके मैं वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी करने जा रहा हूँ, तो वाटर प्रूफ टेस्ट करके वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएंगी। तो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस बार चला वीडियो को सब्सक्राइब करने लगेंगे। ओके, तो ये चीज़ है, क्योंकि निरंतर वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे डालते रहेंगे, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। बाकी और इसके अंदर जो फीचर है उसके बारे में बताऊँ, तो यहाँ देखिए यहाँ से आप स्लाइड करेंगे ऊपर से इस साइड से, तो यहाँ पर ये ड्रायर खुलता है, और इसको ऊपर कर लेंगे, यहाँ से आप करेंगे तो ये खुलेगा, तो दोनों पोर्शन में अलग अलग चीज़ें खुलती हैं। इसके ऊपर मैं सारा कुछ एक अलग बता दूंगा कि कौन कौन सी सिस्टम इसके अंदर, हाइट सेटिंग कौन कौन सी है, क्या इसके अंदर क्वालिटी है क्या नहीं है, तो वो सारा कुछ एक बार फोटो में आपको दिखाता हूँ, इससे जो कैप्चर मैंने फ़ोटो की है वो सारा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक आती है, उतना ज़्यादा मैंने फ़ोटो कैप्चर तो नहीं किया, बट मैंने चेक करने के लिए बहुत सारे फ़ोटो ऑलरेडी इसके अंदर कैप्चर किए हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी इसके अंदर में आती है। तो ये रहा हमारा फ़ोटो, बैकअप मांग रहा है तो इसको करना नहीं है, चलो फटाफट से दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैं अपना ही फ़ोटो दिखाऊं, यहाँ पर मैंने इसे कैप्चर किया है, जो कि क्वालिटी एक बार मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। ये रहा फ़ोटो क्वालिटी, बहुत सारी स्क्रैच इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इस स्क्रीन गार्ड के ऊपर, बट फ़ोटो ठीक ठाक है, कैप्चर किया है। ये मैं आपको, ये कूलर का है, रात के समय का, देखिए ये फ़ोटो की क्वालिटी ऐसी आती है, देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाऊँ साइड से, तो ये देखिए जूम करने पे कुछ इस तरीके का ये है, बट क्वालिटी ठीक ठाक इसके अंदर है। कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे डायरेक्टली, तो ये क्वालिटी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्यूटी मोड में फ़ोटो खींचा गया है, और ये नॉर्मल मोड का फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो यहाँ पर ये ऐसे कैप्चर करता है फ़ोटो, तो ये फ़ोटो क्वालिटी है, और इधर बिल्कुल ऐसे नॉर्मली मैंने खींचा है, तो ये सारे फ़ोटो हैं। यहाँ पर बिल्कुल मुझे पसीना हुआ तो मैं खींचा था, लाइटिंग में है ये, लाइट कंडीशन में है, ये विदाउट लाइटिंग में है, ये भी लाइटिंग में नहीं है, ये स्टूडियो के अंदर का है, तो ये इसका क्वालिटी ऐसा है, और विदाउट स्टूडियो लाइट का, बिना लाइट के ये ऐसा है। तो ये दिन का है, बाहर का है, और ये भी बाहर का है, ये जो हमारा है कमरे के अंदर का, तो ऐसे फ़ोटो ये कैप्चर करता है। फ़ोटो की बात करें तो ठीक ठाक है, और इसमें इमोजी भी लगा रख सकते हैं, इस तरह के कुछ सेटअप कर सकते हैं, ऐसे कुछ सेटिंग कर सकते हैं, तो वो जो फ़ोटो लवर्स होंगे उनके लिए ठीक ठाक है।
जूम करने पे ये थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पसीना से सब कुछ कैप्चर इसने किया, कैप्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा ये काम करता है। तो ये इसके अंदर में बाकी एक और इसके अंदर में फीचर है, आप इसके अंदर ना मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से वॉलपेपर भी और थीम भी, एक्स थीम का ऑप्शन आता है जो कि अभी सारे फ़ोन बैलेंस लेते हैं, लेकिन इसके अंदर में कुछ नहीं है, आप अलग अलग थीम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं सेटअप कर सकते हैं, और बहुत सारे थीम के ऑप्शन मिल जाते हैं वो भी फ्री में, जैसे आप मान लीजिए कोई इसमें थीम अच्छा लगा आपको तो अलग अलग थीम लगा सकते हैं, पूरा सब कुछ इसका प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये सारा कुछ इसके अंदर में है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक मैं कोई थीम आपको चेंज कर दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए इस ये थीम अच्छा लग रहा है आपको, इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा ये काम करेगा। यहाँ देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, अभी सारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि सब कुछ चेंज। देखिए अब फ़ोन का लुक देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही बदल गया है। तो इस तरीके का आपका फ़ोन हो जाएगा तुरंत, और फ़ोन की क्वालिटी की बात करें तो देखने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, देख सकते हैं ये। तो इसके अंदर में ये सब क्वालिटी आती है, मतलब कि एक प्रीमियम वाला बिल्कुल फ़ोन लगता है इसका जब आप इसके अंदर सेटिंग्स कर देते हैं, तो देख सकते हैं आप। तो बहुत सारे थीम इसके अंदर मिल जाएंगे वो भी फ्री में, और बाकी फ़ोन में नहीं ऐसा है, उसमें बैलेंस देना पड़ेगा। कॉल वाला सबसे बेस्ट इसमें है जो कि मैंने आपको बताया, मैं यूज कर रहा हूँ एक हफ्ते से इसी में अपना, दोनों देखिए मैं सिम लगा चुका हूँ, दोनों मेरी सिम इसी के अंदर में है, और मैं काफ़ी अच्छा खासा इसको यूज़ भी किया हूँ। ये दो दिन के बाद मेरी जो बैटरी है ये यूज हो गई, मतलब हार्डली यूज करने पर 6% बचा है, मतलब ये चार्जिंग भी इसका कैपेसिटी अच्छा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज किया उसके बाद से ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। तो फ़ोन में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत तगड़ा फ़ोन है, जिस हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्फिनिक्स ने यहाँ पे काम किया है। जो फ़ोन बहुत महंगे महंगे फ़ोन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा जो चीज़ इसमें फ़ीचर्स है, तो वो चीज़ है। रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, रैम आप बढ़ा सकते हैं, वर्चुअल रैम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ इसके अंदर मिलता है। और इन हैंड फील की बात करें तो उतना भारी नहीं लगता है ये फ़ोन, तो उतना भारी नहीं लगता है। और पीछे से देखेंगे डिज़ाइन एक बार, तो मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊँ अच्छे से। ये देखिए कैमरे का जो बम्प है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक डिज़ाइन जो है ना वो अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पे लुक देखिए, ये वाला ऐसे बस शो पीस में है, ये है नहीं, फोर एलईडी का सेटअप यहाँ पे है, और ये फिंगरप्रिंट का है, और ये इसकी डिज़ाइन है। इसमें तीन कलर मिलते हैं, एक ये ले सकते हैं, एक ब्लैक कलर में है और एक ब्लू में है, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ये जो प्रोडक्ट है, मैंने मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब मुझे मिला नहीं है, ये मैंने पर्सनली परचेज किया है, तो परचेज करके मैं रिव्यू दे रहा हूँ, तो गड़बड़ रिव्यू तो आपको दूंगा नहीं, जो बातें वही मैं बता रहा हूँ। इसका क्लोजअप लुक कुछ आप देख लीजिए, इस तरीके से डिज़ाइन इसकी है। ये इन्फिनिक्स की जो डिज़ाइन है ये ऊपर से स्क्रैच होगा तो ये हट जाएगा, ये चीज़ें प्लास्टिक है तो इस पर आपको कवर ला कर रखना है तो स्क्रैच ज़्यादा हो गए, और बढ़िया कवर के लिए मैंने एक कवर मंगा रखा है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो उस वीडियो को जरूर आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। आप मंगा चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में इसका कवर अभी नहीं मिलेगा। तो ये था इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, जो कि चलने चलाने में काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसे गिफ्ट करना हो तो, या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करना हो, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट ये फ़ोन बन जाता है। तो ये चीज़ है, और कोई सवाल सुझाव इस फ़ोन के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक वीडियो बना दूंगा। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।